हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में आपको ये बताऊंगा कि सिमेंट इनपुट प्रोटेक्शन मैनेजर में डोमेन कैसे ऐड करेंगे। मींस एक जैसे सेग्रीगेट करना कि अगर आपके पास कई साइट हैं या अलग अलग कंपनी है तो अलग अलग डोमेन एक डिफाइन कर देना कि किस डोमेन में क्या रहेंगे और किस डोमेन में कितने कौन से क्लाइंट्स रहेंगे। तो यहाँ पे उसके लिए आपको क्लाइंट्स में आएंगे, डोमेन्स में आ जाएंगे। डोमेन्स के इस टैब में आपको यहाँ पे ऐड डोमेन आएगा। तो ऑलरेडी एक डोमेन ऑलरेडी डिफाइंड में डोमेन बना हुआ है जिसका नाम कंपनी का नाम है आईटी सेशन लैब। एक दूसरा डोमेन बना लेते हैं माई फनी इंडिया, एक नाम दे दिया डोमेन का नाम माई कंपनी इंडिया, कंपनी के नेम माई कंपनी। और यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट क्लाइंट दैट हैव नॉट कॉन्टेक्टेड फॉर स्पेसिफाइड टाइम। ये ऑप्शन ये है कि अच्छा कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से मैनेजमेंट सर्वर से कनेक्टेड नहीं रहते हैं, तो उस केस में वो क्लाइंट्स डिलीट हो जाए। ये यूजफुल होता है उस केस में जब आपके पास लिमिटेड लाइसेंस हो सिमेंटेक का, क्योंकि लाइसेंस जो होता है सीमेंटेक के लाइसेंस नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से होता है। तो ये आपके लिए होता है, अच्छा होता है कि अगर ये यूज करते हैं 30 60 डेज आप सेट कर दें। तो ऐसे भी क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो एक बार अगर वो एक्सपायर्ड हो चुके हैं या वो परमानेंटली वो क्लाइंट्स नहीं हैं, तो उस केस में ये ऑटोमेटिकली वो क्लाइंट्स डिलीट हो जाएंगे। तो वो आपके एक जितने भी क्लाइंट डिलीट होंगे वो नंबर ऑफ सीट्स आपके बच जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल है। हाँ, ये टाइमिंग आप 30 डेज 60 डेज इस तरह सेट कर सकते हैं। डिलीट नॉन परसिस्टेंट वीडीआई क्लाइंट दैट हैव नॉट कनेक्टेड फॉर द एक्सपायर्ड टाइम। ये इसलिए हो जाए वर्चुअल वर्चुअल पीसी या वर्चुअल सर्वर है या क्लाउड क्लाउड पीसी वगैरह है और वहाँ पे भी आपके एक सिमेंटिक क्लाइंट इंस्टॉल है और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ कि अगर 7 दिन से ज़्यादा अगर क्लाइंट कनेक्टेड नहीं है तो वो एक्सपायर हो जाए। तो इस ऑप्शन को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और ओके कर देते हैं। ये एक नया माई कंपनी इंडिया बन गया और यहाँ पर बनने के बाद इसमें कई ऑप्शन हैं, रीनेम डोमेन, एडिट डोमेन प्रॉपर्टी, डिलीट डोमेन, डिसेबल डोमेन, एडमिनिस्टर डोमेन, एक्सपोर्ट डोमेन, ऐड डोमेन, इंपोर्ट डोमेन। और इसमें एक और है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी में आप इसमें बैनर सेट कर सकते हैं जैसे लॉग इन बैनर, पासवर्ड समथिंग, इस तरह के लॉग इन बैनर होते हैं। तो जैसे कि मैं अब बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारी कंपनी है डिफ़ॉल्ट आईटी सेशन लैब, इसमें अगर हम बैनर सेट करते हैं एडिट डोमेन प्रॉपर्टीज, यहाँ पे
एक मैसेज यहाँ पर टाइप कर दिया। और पासवर्ड के लिए ऑप्शन है कि इसमें दो तरह के पासवर्ड के ऑप्शन है, एला यूजर टू सेव क्रेडेंशियल व्हेन लॉग इन ऑन। इसमें ऑप्शन है कि जैसे कि अगर ब्राउजर से लॉग इन करते हैं तो उसमें प्रिविलेज एक ऑप्शन है कि पासवर्ड आप सेव करने का, कि पासवर्ड सेव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन है सिक्योरिटी रीजन से है, नहीं करना चाहिए। अलाउ नेवर एक्सपायरिंग पासवर्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटर। और डिफ़ॉल्ट कंपनी या माई कंपनी में अगर ये ऑप्शन सेट करते हैं तो इसमें से जितने भी यूजर होंगे, पासवर्ड एक्सपायर, नेवर पास एक्सपायर पासवर्ड का ऑप्शन है। तो इस तरह का आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से सेट कर सकते हैं। ओके कर देते हैं, लॉग आउट करते हैं। अब मैं लॉग इन करके देखता हूँ कि बैनर का ऑप्शन आ रहा कि नहीं। यस, अब ये देख रहे हैं कि जो मैंने एक बैनर सेट किया था, आईटी सेशन लैब मैसेज, दिस इज ए सेशन लैब कंपनी एंड डू नॉट यूज टू अनऑथराइज्ड एक्सेस एंड कॉन्टैक्ट टू सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। तो एक बैनर आया कि अगर आपको ये मैसेज आप देना चाहते हैं कि अगर कोई लॉगिन करता है और उसमें मैसेज कुछ डिस्प्ले हो तो इस तरह का आप इसमें बैनर सेट कर सकते हैं। ओके इस तरह तो आप कंपनी क्रिएट कर सकते हैं जिसको डोमेन भी कहते हैं।